सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं आज के इस ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, ये ट्रिक है कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं, उन ऐप्स को आप डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पबजी, ये सब तो खेलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा लोग रहते हैं और आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन है, तो आप कर ये सकते हैं कि उसी ऐप का आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका डेटा भी नहीं खर्च होगा डाउनलोडिंग मंगलोडिंग करने के लिए और आपका काम भी बन जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक को हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है मल्टी पैरेलल स्पेस। ये इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहीं से इंस्टॉल करना है। ये दोस्तों आपको प्ले स्टोर में भी फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो उसमें काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों आपको प्रीमियम वर्जन में आपको दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एड क्लोन का एक बटन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है और यहाँ पे आपको ऐप सेलेक्ट कर लेना है जिस भी ऐप का क्लोन आप यहाँ पे बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन दोनों का मैं क्लोन बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लोन विथ मल्टी पैरेलल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी मैं आपको इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पे मैंने दो तो बना लिया, और दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि मेरे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट भी दो ऐप्स हैं। देखिए, ये रहा मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, लेकिन अब और दोस्तों यहाँ पे आप मल्टी पैरेलल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे दो ऐप्स और हैं। तो मेरे फ़ोन में दोस्तों टोटल दो व्हाट्सएप हैं और दो इंस्टाग्राम हैं अब, ठीक है ना। तो दोस्तों सिर्फ दो ही नहीं, आप जितने मर्जी चाहो उतने ऐप्स यहाँ पे आप उसका डुप्लीकेट बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, मैं यहाँ पे तीन तीन चार चार व्हाट्सएप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो इस ऐप की मदद से आप मतलब जो भी ऐप चाहो उस ऐप का आप यहाँ पे क्लोन यानी कि उसका डुप्लीकेट बना सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ही नहीं, आप हर ऐप का डुप्लीकेट बना सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कुछ इसके ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस मल्टी पैरेलल ऐप को लॉक करना चाहते हो अपने पासवर्ड वगैरह लगा के, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे लॉक सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप यहाँ पे अपने ऐप को लॉक वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम बैक आ जाते हैं और जान लेते हैं और भी कुछ यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐप्स को डुप्लीकेट बना लिया, तो आप इनको अब डिलीट कैसे कर सकते हो। डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपको डिलीट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो और दोस्तों आप यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग ऐप्स को अलग अलग लॉक भी लगा सकते हो। अगर दोस्तों एक बंदा दूसरा व्हाट्सएप यूज़ करता है, एक बंदा दूसरा व्हाट्सएप यूज़ करता है तो आप दोनों अलग अलग ऐप को लॉक अलग अलग लगा सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप दोनों अलग अलग लॉक लगा सकते हो अपने व्हाट्सएप में। और भी दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन भी आपको दिख जाता है, जहाँ पे आप इनके कलर वगैरह यहाँ पे आप चेंज करके यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको वीडियो वहाँ से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।